थायराइड कैंसर के बारे में आज का टॉपिक। तो थायराइड कैंसर है आजकल बहुत बढ़ लो का, उसमें थायराइड बेच बहुत डिफरेंट रकम का कैंसर है। उसमें सबसे ज्यादा कौन सा पूछे तो पैपलरी थायराइड कार्सिनोमा, वो चार्ज का डिस्कशन, ये सबसे ज्यादा कैंसर। तो ये थायराइड पैपलरी थायराइड कार्सिनोमा में खुद डिटेल को बोलना है, उसको ऐसा मैं पांच डिफरेंट पार्ट्स में बनाया हूं। तो पार्ट वन में एक इंट्रोडक्शन भी, पार्ट टू में क्या क्या टेस्ट करना कुछ भी, पार्ट थ्री में सर्जरी करके कंप्लीट थायराइड निकालना कुछ भी, पार्ट फोर में बाकी ऐसा थायराइड कैसा है कि नहीं कि है तो वो कैसा देखो पकड़ना, वो कैसा निकालना कुछ भी, लास्ट पार्ट में वो वापस कैंसर कितनी साल के बाद वो आए तो वो कैसे देखो पकड़ना, वो कैसे निकालना। तो इन शॉर्ट में क्या कवर करना चाहता हूँ मैं बोलता नहीं। तब ये पार्ट वन तक, ये पार्ट वन इसमें फर्स्ट ऑफ ये पैपरी थायराइड कार्सिनोमा किया तो एक रीजन क्या बोलती है तो खानदानी में आ सकता, पाप को है पॉजिटिविटी जन को आने का चांसेस है वो तक। दूसरा रीजन क्या तो ऑलरेडी एक पेशेंट को कितने की साल से थायराइड का प्रॉब्लम है, तो वो थायराइड बहुत साल रहने से उसका अंदर थायराइड के अंदर प्रॉब्लम रहने से वो थायराइड कैंसर को बदल सकता है, उसमें ये पैपरी थायराइड करता है। ये ज्यादा देर है कहाँ आयोडीन नॉर्मल है कि वहां चाहते आयोडीन कम होना तो पर नहीं। लास्ट को और एक रीजन भी बोल रहा है, रेडिएशन ज्यादा है तो कितने की साल के बाद ही थायराइड कैंसर आ सकता, मतलब छोटे में आप सीटी स्कैन बहुत उठाए तो बहुत साल का बाद ये थायराइड कैंसर आने का चांसेस है। अब ये पेशेंट का कंप्लेंट क्या क्या है, पेशेंट का कंप्लेन कहते तो यूजुअली दो रकम का सिनेरियो है। एक क्या कहते तो पेशेंट आपको एक थायराइड का स्वेलिंग है, गला का सूजन है, थायराइड कैसे जगह में उसको ऐसे टेस्ट करने आती है, हमें टेस्ट करते ही वो टेस्ट में रिपोर्ट है पैपरी थायराइड कार्सिनोमा को रिपोर्ट आया वो एक। अभी क्या बताओ एज पेशेंट दूसरा हॉस्पिटल को एज बीमारी बताने गए थे, उसको ऐसा तब थी वो डल्ला थायराइड का एक साइड में खाली था उसको, तो वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल है डॉक्टर वो डल्ला एक साइड में खाली रहने से वो साइड डल्ला खाली ऑपरेट कर पा रहे, उसका बाद रिपोर्ट आते ही वो साइड में कैंसर पैपरी थायराइड कार्सिनोमा का आता है। तो ये पेशेंट है बाकी ऐसा थायराइड भी निकालने वास्ते हमारे साथ आएगा, ऐसा दो सिनेरियो में आ सकता है। तो हमारे ना आते ही पेशेंट को एग्जामिन करते ही थायराइड ये ग्लैंड तरह बड़ा रहेगा, छी को देखते ही जरा फर्म टू हार्ड रहेगा, और कब तक भी इधर लेट स्टेज में आए तो यहाँ दो साइड में छोटा छोटा सूजन होने का चांसेस है। ये जो पेशेंट को कंप्लेन भी हमें एग्जामिन करते हैं ये जो फाइंड, तो ये पार्ट में हमें इंट्रोडक्शन में पेशेंट कंप्लेन भी देखो। तो मैं सेकेंड पार्ट देखो उसमें क्या हक को क्या क्या टेस्ट कर तो हमने थायराइड कैंसर देखो पकड़ जाऊंगा।